इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुछ कानामेटिक्स के जो है कॉन्सेप्ट्स देखेंगे सबसे पहले देखिए इजी कॉन्सेप्ट यही है बोर्ड पे देखिए आप स्क्रीन पे सपोज दो पॉइंट्स है समझिए ठीक है अब सपोज दिस इज़ ए दिस इज़ बी अब ए से बी तक आप जा रहे हैं ना ट्रैवल कर रहे हैं आप सपोज़ ऐसा पास हो रहे हैं या आप ऐसा पास हो रहे हैं ना तो ये आप जो भी पाथ फॉलो करेंगे इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं ए को और बी को बोलते हैं फाइनल पॉइंट ए को क्या बोलेंगे इनिशियल पॉइंट यानी शुरू का और बी को बोलेंगे फाइनल पॉइंट तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो ये ए से लेके बी तक एरो से सा बताएंगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या है एरो से बताएंगे तो डिस्टेंस क्या रहेगा डिस्टेंस को बोलेंगे द पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन द पाथ यानी ये पूरा यह जो रास्ता है ये पूरा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेंगे इसी तरह ए सी बी तक लाइन समझो एक लिहाज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो लाइन ही बनी है ना तो पाथ फॉलोड बाई ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल इज डिस्टेंस ठीक है ना और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज डिसमेंट डिसप्लेसमेंट ये होगी पहली बात दोनों के यूनिट्स वही रहेंगे दोनों के ऐसे यूनिट्स क्या रहेंगे मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स ही रहेगा तीसरी चीज़ क्या है डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे वैक्टर क्वान्टिटी वैक्टर क्वान्टिटीटी और डिस्टेंस को बोलेंगे हम स्केल आर पहली बात हो गई तो डिस्प्लेस डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम द शॉर्टेस्ट सॉरी डिस्टेंस किसको बोलेंगे द पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी डरिंग इट्स मोशन ये पूरे डिस्टेंसेस है है ना लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस स्केलर है अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएंगा डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम ये हो जाएंगे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम क्या रहेंगे स्पीड ठीक है by time, और वैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा वेलोसिटी वेलोसिटी क्या रहेंगे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से तो वेलोसिटी टाइम से डिवाइड करने को बोलते रेट टाइम से डिवाइड करने को क्या बोलेंगे रेट तो स्पीड क्या लेंगे द रेट ऑफ डिस्टेंस द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी टाइम से डिवाइड करने को रेट कवॉड यूज़ करते हो तो डिस्टेंस बाई टाइम यानी रेट ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी द रेट ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज स्पीड डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो स्पीड डिसप्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो वेलासिटी ठीक है तो वैसी वेलोसिटी क्या रहेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड कह रहेंगे इट इज़ ए स्केल आर क्वान्टिटी यूनिट्स दोनों के बढ़ेंगे डिस्टेंस के लिए मीटर्स टाइम के लिए सेकेंड ऐसा यूनिट्स डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए यूनिट्स कहेंगे मीटर्स और टाइम के लिए क्या रहेंगे टाइम के रहेंगे सेकेंड ठीक है तो हम क्या करें अभी डिस्टेंस पढ़ लिए डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी ठीक है अब इसका एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए देखिए सबसे पहले क्या है डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body during its motion is called distance It is a scalar quantity uh, units carrying a meters per sorry meters. Displacement is calling it the shortest distance between the initial and final position of a body during its motion is called displacement. It is a vector quantity Where is it a di speed carrying a distance by time. The rate of distance covered by a body is called speed. तो स्पीड क्या है डिस्टेंस बाई टाइम उस वास्तव ये स्केल आ रहे हैं और वेलोसिटी करेंगे द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी इसके भी यूनिट्स करेंगे मीटर्स पर सेकेंड अब आगे कंटिन्यू करना है अपने उसके बाद का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग सपोज एक बॉडी ट्रैवल कर रही है ना जब हम इसको देख रहे जब देखना शुरू करें सपोज़ इसकी वेलोसिटी थी टेन मीटर्स पर सेकेंड हम थोड़ी देर तक देखते रहे मिसाल के तौर पे इसको हम देखे मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं है है ना फाइव सेकेंड्स तक देखे इसको या फिफ्टीन सेकेंड्स तक देखें हम ठीक है ये सपोज़ डिस्टेंस ट्रैवल करी फिफ्टीन सेकेंड्स के अंदर यहाँ तक पहुँची और इसकी स्पीड भी बढ़ गई समझो पहले टेन मीटर्स पर सेकेंड थी अब मिसाल के तौर पर फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड ठीक है तो फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड तो, तो सपोज़ ये ले लिया हम फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड ठीक है और सपोज़ ये डिस्टेंस यहाँ से आता है समझो मिसाइल की तरफ पे टेन मीटर्स या कुछ और डाल दो मैं ट्वेंटी मीटर्स ठीक है तो जो शुरू में जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में जो वेलोसिटी रहेंगी इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे जो आखिरी में जो वेलोसिटी रहेंगी इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी है ना और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसको एस से बताएंगे हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से बताएंगे और फाइनल वेलोसिटी को बी से बताएंगे और टाइम क्या है टी से बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं बॉडी का वेलोसिटी जब हम देखना शुरू करें स्टडी ऑफ मोशन व्हेन वी व्हेन द स्टडी ऑफ मोशन स्टार्ट्स है ना जब हम देखना शुरू करें जब शुरू में जो वेलोसिटी थी इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मोशन ये वर्ड यूज करेंगे स्टार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन मतलब क्या है इसका द वेलॉसिटी ऑफ ए बॉडी एट द स्टार्ट ऑफिस स्टडीज ऑफ मोशन जब हम देखना शुरू कर रहे हैं या तो जब से हम उसको कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं वो वेलासिटी बोलते हैं इनिशियोसटी डिपेंडेंट डिनोडेड बाई यू और इनिशियल लॉलिटी के टाइम पर टाइम रहेंगे जीरो क्योंकि अभी तो स्टार्ट करें ना तो टाइम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम जब स्टडी खत्म कर दिए आखिरी टाइम है ना द वोसिटी एट द एड ऑफ द स्टडी ऑफ मोशन दिस इज़ कॉल फाइनल वॉस्टी वी से डिनोट करते हैं ठीक है अब देखो पहले वेलासिटी टेन मीटर्स पर सेकेंड था और बाद में वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी में तो कितना फर्क आ रहा है फाइव फिफ्टीन माइनस टेन तो पहली वेलोसिटी यू है बाद में वेलोसिटी वी है तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी रहेगा वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेंगे वी माइनस यू अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करें तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ विटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विटी क्या करना टाइम से ड्यू एड करना वी माइनस यू बाई टी तो इसी को बोलेंगे हम एक्सलेशन एक्सलेशन का मतलब क्या आता रेट ऑफ चेंज ऑफ विटी यानी कितने टाइम में वलॉसिटी में कितना फ़र्क आ रहा है ना विलॉसिटी बढ़ते जा रही तो acceleration है समझो तो एक्सेलेशन है बोले अगर वेलासिटी नहीं बढ़ी पहले भी टेन था बाद में भी टेन मीटर्स पर सेकेंड है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म वेलासिटी तो कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी में एक्सेलेशन नहीं आता पहले भी टेन था फिर बाद में भी टेन तो टेन माइनस टेन बाई जो भी टाइम है तो जीरो हो जाता तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो जब एक्सलेशन जीरो रहेगा ठीक है।, है अगर वेलोसिटी तेज़ बढ़ती है एकदम तो एक्सलेशन ज़्यादा है वो वेलोसिटी में थोड़ा फर्क आ रहा तो एक्सलेशन कम है ना स्लो है भलेसा कभी ऐसा भी होता हम जब देखना शुरू करे थे इसकी वेलोसिटी थी फिफ्टी मीटर्स पर सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई समझो सपोज थोड़ी देर के बाद ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड तो यहाँ पे क्या होंगे एक्सलेशन माइनस हो जाएंगे देखो एक एक्वल्स टू यू माइनस वी बाई जो भी टी है तो क्या सॉरी फॉर्म क्या गया इसका v माइनस यू बाई टी तो माइनस थर्टी आ रहा जो भी बाई टाइम तो अगर वेलोसिटी अगर कम होते जाएंगे तो एक्सलेशन नेगेटिव आएगा एक्सेशन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे डिससेलेशन नेगेटिव एक्सलेन क्या बोलेंगे हम डिसन तो इसके बारे में देखो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है है ना इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन देख लो आप लोग इनिशियल वेलोसिटी अभी समझाए ना द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट द स्टार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का टाइम क्या लेंगे हम जीरो और फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ स्टडी ऑफ मोशन आखिरी में जो वेलोसिटी रहेंगी इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी और एक कॉन्सेप्ट है तैयार करना वैन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला समझो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट

v माइनस यू by t या तो इसको ऐसा भी सकते हैं acceleration equals to rate dv by dt इसका मतलब भी वही होता differentiation ऑफ velocity with रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity ठीक है इसके यूनिट्स क्या रहेंगे दो बार टाइम से डिवाइड हो रहा ना इस बात से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो ये acceleration हो गया अगर acceleration नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे हम deceleration बोलेंगे यहाँ पे नहीं लिखा है ऐसा में. the द नेगेटिव is इज कॉल्ड डिससेलेशन यहाँ लिखे नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड डिसलरेशन ठीक है डिसेलरेशन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम अभी इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ने को तो अब ये जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग तो पहला क्या है भाई इसमें चार रहते है हैं मैं तीन लिखा है फिर खुद यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझाऊंगा आप लोग को अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं हम काटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये आख लीजिए आप लोग और से सुनिए इक्वेशंस ऑफ ऑफ इक्वेश अब ये फॉमलेस यूज करते हैं हम जो है विलासटीज करने के लिए पहला फॉर्मूला वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी टर्मिनोलॉजी जब ये देख लेना वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एन एक्सलेन टी यानी टेम और सेकेंड फॉमूला यूज़ करेंगे हम वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू ए एस एस का मतलब क्या है डिसप्लेसमेंट और तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम एस इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको याद कर लेना हम कहीं भी जरूरत पड़ती है चीज़ों की तो और एक फॉर्मूला है एस एन का डिस्टेंस ट्रैवल इन है एंथ सेकेंड बोलते हैं एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन खैर ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता पहले के तीन तो याद कर लीजिए आप लोग पहला फॉमूला क्या है वी इक्ल्स टू यू प्लस ए टी और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस और तीसरा फॉर्मला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसके बाद हम समझ समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई कभी भी हम कोई बॉडी समझो ऊपर से फेंके या छोड़े तो ये नीचे के साइड क्यों जाती है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी इसको पुल करता तो एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको जी से बताते हैं द एक्सेलरेशन बाई विच ए बॉडी इज पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ठीक है इसकी वैल्यू अब और एक बात याद है अगर बॉडी नीचे जा रही तो प्लस यूज करेंगे हम जी अगर बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे तो एक्सलेशन नीचे के साइड है बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए अब माइनस जी यूज करेंगे एक बार ये जो बॉडी डॉन साइड जाएंगे है ना वर्टिकली डॉनवर्स या डॉनवर्स जाएंगे उसके एक्सेलेशन को कह लेंगे हम उसके एक्सेलेशन को प्लस जी लेंगे और जो बॉडीज़ ऊपर के साइड जाएंगे उसके एक्सेलेशन क्या लेंगे माइनस जी लेंगे अब ये फॉर्मलेट्स में देखो कैसे करेंगे अब डिस्टेंस के बजाय हम हच यूज़ करेंगे वर्ड अच्छा रहता क्योंकि ये डिस्टेंस है ना हाइट ऐसा जा रहे या नीचे जा रहे तो हाइट की वजह से हच यूज़ करेंगे हम और एक्सेलेशन सपोज बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स देखेंगे बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स के लिए ए की जगह पे हम लिखेंगे प्लस जी ए के पे क्या लिखेंगे हम प्लस जी तो इक्वल्स टू प्लस जी ठीक है अब ये फॉर्मुलस में देखो कैसा होएगा वी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू ए की वजह क्या लिखेंगे जी टी वही फॉर्मुलस फॉर ए बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स अब एक बॉडी नीचे के सेट डाउनवर्ड्स मूव हो रही तो ये फॉर्मुलस वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव हो रही तो ये फॉर्मुलस अब दूसरा फॉर्मूला क्या है देखिए ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए के बजाय क्या लिखेंगे हम जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस के बजाय क्या लिखेंगे हाइट लिख डालेंगे और तीसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास एस के बजाय हेच लिखेंगे हम यू टी प्लस हॉफ जी टी स्क् तो ये फॉर्मूल्स कैसा मैंने खाली हम याद रख लेना ए की जगह पे जी लिख दिए और एस की जगह पे हेच लिख दिए तो ये फॉर्मूल्स बन गए फॉर द बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर समझो फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला तो जब यू ज़ीरो ले, ले लेना फ्रीली फॉलिंग बॉडी या ड्रॉप करा वाला समझो तो यानी खाली जब छोड़ेंगे आप फेंक रहे ने खाली हाथ से छोड़ा रहे फ्रीली फॉलिंग बोलते एक है कि आप ज़ोर से फेंक रहे नीचे उसमें यू जीरो नहीं रहता लेकिन एक है कि बॉडी को आप ड्रॉप करा ले समझो तो स्लोली वो बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला या बॉडी ड्रॉप बोला तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती ठीक है और सेम समझो यही फॉमलेस अगर ऊपर के साइड जाएंगे हम तो प्लस जी के बजाय माइनस यूज़ कर लो तो ये कहेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस जी के बजाय माइनस जी टी वैसे ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू जी है ना G के G के है? G तो जी के बजाय माइनस लिख डालो माइनस टू जी हेच और तीसरा फॉर्मूला क्या है हैच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र तो प्लस जी के बजाय अगर माइनस यूज खिलेंगे तो बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपोर्स के फॉर्मले चलेंगे अगर समझो मैक्सिमम हाइट बोला तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वॉस्टेज जीरो है थी. मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग अभी जो समझे है ना हम क्या कहते कहते थे एक्सेलरेशन अब इक्वेशन ऑफ मोशंस पे यहाँ पे तीन फॉर्मेट्स दिखाया हमें वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू एस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् अब एक्सलेन ड्यू टू ग्रेविटी द एक्सन बाई विच ए बॉडी इज पुल्ड बाई दर्थ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी इट्स अप्रोक्सिमेट वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट इज़ पॉजिटिव फॉर बॉडीज मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड सॉरी डाउनवर्ड्स के पॉजिटिव रहेंगे एंड नेगेटिव फॉर अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है अब इक्वेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अब नीचे के सेट जो बॉडीज आएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स ए की जगह पर जी लिख डालेंगे हम एस के जगह पे हेच तो फार्मुलस क्या हो जाएंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी हेच हेच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क् for the body is moving downwards vertically. When the body is freely falling freely falling what we are initial velocity is 0. Or a class concept for the body thrown vertically upwards for the body thrown vertically upwards minus g v equals to u minus g t or v square minus u square equals to minus 2 g h h equals to u t sorry minus half g t square h equals to u t minus half half. जी टी और मैक्सिमम हाइट पे क्या रहेगा मैक्सिमम हाइट पे फाइनल लॉस्टे ज़ीरो रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट था कुछ हम जो है कैटेमेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक कवर करेंगे आप लोग से गुजारिश है भाई इसको लाइक करिए शेयर करिए आपस में है ना और सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन होगा